हेलो दोस्तों, भारत में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी तो उसे उस समय तो उतनी सफलता नहीं देखने को मिली और टाटा नैनो के पेट्रोल वेरिएंट बंद होने वाली है। लेकिन यहाँ पर टाटा ने हार नहीं मानी, टाटा नैनो को फिर से लॉन्च करने जा रही है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ। तो बने रहिएगा, आज की वीडियो में हम बताएंगे इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात कर लें सबसे पहले डिज़ाइन के मामले में, तो इसको सेम टाटा नैनो की तरह डिज़ाइन किया गया है जहां पर इसे लॉन्च किया जा रहा है JEM नियो बैच के तहत। अब ये JEM नियो कौन है? तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है जो कि टाटा का बहुत पुराना दोस्त है और ये दोनों कोलैबोरेशन करके टाटा नैनो को फिर से रिलॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। तो बात करें यहाँ पर ये कैसे काम करता है, तो देखिए टाटा है अपना पुराना जो नैनो की जितनी भी बॉडीज बची हैं उन पीसेस को सोल्ड करेगी और JEM नियो सिंपल सा वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बैटरी फिट करके इंडियन मार्केट में सेल करेगा। अब दोस्तों ये सुनकर तो आपको थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई होगी, तीन सवाल सबके मन में आए होंगे कि मैं इसे कब खरीद पाऊंगा और इसकी कितनी कॉस्ट होने वाली है और क्या ये आम आदमी के लिए अवेलेबल होने वाली है या नहीं। तो इसका जवाब हम खुद देते हैं धीरे धीरे, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए बात करें हम लोग लुक्स। JEM नियो ने टाटा नैनो की पुरानी वाली वेरिएंट मॉडल वही है लेकिन थोड़ी बहुत एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंजेस कर दिए हैं। अब दोस्तों इस टाटा नैनो में आपको कोई भी इंजन नहीं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल जाता है। बात कर लें कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब कि एक चार्ज में कितना चलेगी, कितने घंटे लगेंगे चार्ज होने में और टॉप स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल रही है जिसमें आपको 140 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलती है। गाड़ी क्विक चार्जिंग और होम चार्जिंग दोनों ऑप्शन के साथ आती है। क्विक चार्जिंग मात्र 1 से 1.5 घंटों में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, वहीं अगर आप रेगुलर चार्जर से चार्ज करेंगे तो इसको चार्ज होने में लगेंगे आपके 4 से 5 आवर्स। टॉप रफ्तार की बात कर ली जाए तो आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे का टॉप रफ्तार देखने को मिल जाएगा। अब बात करिए गाड़ी कब अवेलेबल हो रही है, तो देखिए आने वाले कुछ महीनों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसकी जो फर्स्ट बैच है 400 कारों की, इसको सोल्ड कर जा रहा है ओला कैब के अंदर। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि इसे प्राइवेट यूज़ में कब लाया जाएगा। अब देखिए टाटा नैनो तो बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन JEM नियो अभी मतलब उतनी बड़ी नहीं है, तो उसको एक डर सता रहा है कहीं जो टाटा नैनो के साथ हुआ कहीं ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट सर ना हो जाए। तो सबसे पहले इसे देखिए ओला कैब में ला जाएगा और अगर पब्लिक डिमांड बढ़ता है तो ज़रूर ये प्राइवेट यूज़ के लिए आने वाला है। अब बात करें अगर प्राइवेट यूज़ के लिए आएगा भी तो कितना प्राइस रहेगा। अब देखिए कोई भी गाड़ी आती है तो इसे आपको लेड एसिड और लिथियम आयन दो वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक प्राइस होने वाली है। तो यहाँ पर आम आदमी के लिए ये सुविधा होने वाली है कि यार यहाँ पर लेड एसिड जिसका बजट कम है वो लेड एसिड भी ले सकेगा और जिसका बजट ज़्यादा हो वो लिथियम आयन वेरियंट भी ले सकेगा। तो यार यही था पूरा पैकेज टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक वेरियंट के बारे में। तो क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। यार टाटा नैनो तो वैसे फ्लॉप हो गई, पर हमारी दुआ है यार, दिल से मैं कहता हूँ टाटा नैनो इलेक्ट्रिक वेरियंट हिट होगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें कुछ सस्ता चाहिए था। और ये JEM नियो अगर ये कर लेता है ये काम, अगर ये हैदराबाद रूट पे टेस्टिंग कामयाब होती है और इसे पब्लिक पसंद करना शुरू करती है तो ज़रूर ये प्राइवेट यूज़ में आएगा। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से किसी का दिन बन सकता है, आप कुछ कर सकते हैं। इस गरीब की बात भी थोड़ी सुन लिया करो यार, सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए खूब दर्द रखे यार, टेक केयर एंड गुड बाय।